So hi everyone, welcome to the channel and for today we will be discussing versification and poetic syntax जो कि है आज हमारे second part poetic syntax Margaret Ferguson and इसका a part जो है वो complete कर चुके हैं तो अगर आपने वो नहीं देखा उसका link मैं आपको description में भी दे दूंगी most probably and इससे पहले वो वाली video upload हुई है तो वरना वो भी देख सकते हैं। Next अगर हम बात करें सबसे पहले आज तो ये है poetic syntax। अगर आपको सिंटेक्स का मतलब नहीं पता देन इट्स ओके बिकॉज उसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि व्हाट इज सिंटेक्स एंड वीडियो को इसलिए एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से सबको समझ आ जाए। कुछ कुछ चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है डैट इज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसे आपको वीडियो को पॉज करके या कैसे भी आपको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ना है। सो ये वीडियो जो है मेनली इन द प्रीवियस लेसन ऑफ ऑन वर्सिफिकेशन। सो जो प्रीवियस लेसन था ए पार्ट जो था वो वर्सिफिकेशन के ऊपर था मेनली उसमें वर्ड्स के ऊपर था एंड दिस इज syntax. So we have seen how poetry is different from all other kind of forms writing primarily because it employs words. So जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया words से related था वो and उसमें आपको mainly rhythm या फिर grammatical जो mainly problems होती है issues होते हैं या जैसे rhythm हो गया rhyming हो गया meter हो गया इन सब के बारे में हमने बात करा था and the basic principle of underlying the writing of words जैसे हमने मैंने आपको बताया इसके बारे में बात किया था rhythm and meter rhyme and the basic forms of poetry and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं poetic syntax के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें what is poetic syntax, so the poetic syntax है ये एक manner है is the manner in which the poet arranges words and lines in a poem in order to create a desired effect. So हर एक poet जो है वो आपको एक different lines जो है वो बताते हैं या कुछ अपना जो है अपना thought process बताना चाहते हैं वो क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं वो अपने real life के बारे में बताना चाहते हैं या फिर अगर वो नहीं बताना चाहते हैं बट उनकी poem जो है वो हम इमेजिन कर सकते हैं उनके पोएम्स को या उनके लाइंस को पढ़ के कि वो अपने रियल लाइफ में किस चीज से गुजर रहे होंगे क्या चीज फेस कर रहे होंगे। सो दैट इज पोएटिक सिंटेक्स जिसमें वो अपने वर्ड्स को जो वो अरेंज करते हैं एंड लाइंस वगैरह को पोएम्स के वैसे अरेंज करते हैं जैसे कि सोनेट होता है 14 लाइंस का या फिर हमारे पास कपलेट्स होते हैं 2-2 लाइंस के। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास होते हैं ऑप्शन। सो पोइट्स जो है वो अपने आप को मतलब उसमें ढालने की कोशिश करते हैं मतलब उस पोइट्री के बॉक्स में ढालने की कोशिश करते हैं और हमारे को बताते हैं उस समय वो क्या फील कर रहे थे क्या वो हमारे को बताना चाहते हैं क्या वो हमारे को समझाना चाहते हैं लाइफ के बारे में एंड वो क्या चाहते हैं कि व्हाट शुड बी चेंज्ड मतलब कि इस समय लाइफ में चल रहा है उसमें क्या चेंज हो जाना चाहिए एंड इफ यू सी और नॉट बट अगर आप देखोगे एक चीज तो दैट इज कि पोइट जितनों ने भी मतलब इतने टाइम पुराने भी लिखा ना वो अभी तक मॉडर्न लाइफ में मॉडर्न इस समय के जमाने में भी वो बहुत ज्यादा लाइक हमारे को लगता है ये अभी लिखा गया है कल ही लिखा गया है आज की बात ही लिखी गई है। डेट मीन्स कि पोइट जितने भी जो पोइट्स थे मतलब मोस्टली पोइट जो थे वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे थे एंड इस समय हम भी ऐसा है हम खुद भी ऐसे हमें पता है फ्यूचर में क्या हो सकता है लाइक पेट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा या कोयला जो है वो खत्म हो जाएगा वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड इलेक्ट्रिक जो मशीन है इलेक्ट्रिक जो मतलब व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक कहते हैं कमांड में आ जाएंगे लोग हर जगह उसी की चर्चा कर रहे होंगे अभी तो पेट्रोल डीजल लोग जानते हैं हो सकता है उसमें ना जाने तो दैट इज ऑल अबाउट कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते तो वैसे समय के पोइट्स ने जो है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करके आज के टाइम की चीजें लिखी थी लाइक बहुत सारी स्टोरीज थी एक अभी इसमें भी है मतलब इसके एग्जाम्पल मैं आपको इसी में दे दूंगी आगे। सो जो ग्रीक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है सिंटेक्स जिसमें सिन का मतलब है टुगेदर और टेक्स का मतलब है टू अरेंज। सो जैसे कि टुगेदर टू अरेंज या फिर कोई भी वर्ड्स को जो है वो पुट अप करना है इन अ सेंटेंस ताकि उसका एक मीनिंग बन सके एंड वो एक छोटा सा फ्रेज छोटे से एक जो लाइन है वो हमारे को बहुत कुछ डीप इनसाइड बता देती है। लाइक अगर हमारे पास पोएम्स में लाइंस जो होती है जनरली वो क्या होती है एक ही पोएम में पता चल जाता है कि पोइट हमें क्या कहना चाहते हैं क्या सफर कर रहे हैं क्या क्या चीजें मतलब जस्ट एक सिंगल लाइन में हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। दैट इज सिंटेक्स की मतलब पोएम जो है ना पोएम में जितनी भी लाइंस होती है वो एक लाइन ही 100 लाइंस का काम करती है। लाइक अगर हमारे पास 14 लाइंस की पोएम है पेपर में आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको उस 14 लाइन की पोयम की एक पोयम की मतलब 14 लाइन की जो पोयम है उसमें से कोई एक लाइन उठा ली गई उसको लिख दिया इसको बोल दिया कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है या फिर इलेबोरेट करना है जो भी आपको करना है मतलब और इसको आपको अपने अपनी लाइट थ्रो करनी है या अपना मतलब सोच बतानी है कि आपको उसमें पढ़ के क्या लगा। सो इट्स अबाउट कि आप 100 लाइन भी लिख सकते हो कुछ बच्चे 1000 लाइन भी लिख सकते हैं कुछ बच्चे उस लाइन को पढ़ के सिर्फ एक लाइन ही लिख पाएंगे। सो डेट मीन्स कि आप कितनी डेप्थ में उस पोइट को समझ सकते हो सबसे पहले तो यही होता है पोइट पोइट की बायोग्राफी आपको बतानी चाहिए कि पोइट वो कब के थे क्या थे कैसे थे कब बॉर्न हुए उनका लाइफ जब जर्नी थी उन्होंने क्या की चीज फेस करी तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए जब आप एक पोएम वगैरह पोइट्री मिलने रीड कर रहे हो। वर्ड्स एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स आर द सिंबल्स दैट मैटर मोस्ट फॉर पोएटिक सिंटेक्स ऑल टुगेदर पंक्चुएशन लाइन शेप्स स्टैंजा फॉर्म्स मेट्रिकल सिस्टम्स
and rhyme schemes are all crucial for understanding poetic syntax as a way to organize words to create a meaningful assertions. So, सबसे पहले मैं आपको बताया गया कि words और grouping of words जो है वो एक major symbol होता है या फिर एक major चीज होती है for poetic syntax. And all together जैसे punctuation हो गई, punctuation अगर आपको बताओ तो punctuation हमारी English grammar की बहुत एक nominal part है, मतलब बहुत बिल्कुल general part है. Then you have line shapes के अंदर कई lines ऐसी होती है जहाँ भी आपके पास 4 words होते हैं, कई lines ऐसी होती है जिसमें आपके पास 9 words हो सकते हैं. मैंने कुछ poems ऐसी भी पढ़ी हुई जिसमें more than 500 lines हो. So इट डिपेंड्स, अगर आप अभी फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे तो आप भी कुछ ऐसी पोएम्स पढ़ोगे, फोर्थ सेमेस्टर में आई थिंक है. सो कुछ ऐसी पोएम्स पढ़ोगे जिसमें 50 तो नहीं 500 लाइंस, 532 लाइंस या कुछ ऐसा भी है. सो यू विल सी कि मतलब एक पोएम में एक पॉइंट एक तरफ है जो कि 14 लाइंस में, 7 लाइंस में वो इतना को समझा देता है. एंड दूसरी तरफ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 500 लाइनें लिखी है अपने उसको समझाने के लिए. एंड उसके बाद भी आपको लगेगा उन 500 लाइन में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया. अगर आप पूरी पोएम को भी रीड कर लोगे ना तब को ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं समझ आया. 10% तक समझ आ गया ना तो ही बहुत बड़ी बात होती है. सो पोएटिक सिंटैक्स इज ऑल अबाउट कि राइमिंग स्कीम बनी रहे एंड जो भी चीज़ एक मीटर है ना वो फॉर्म हो सके. एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं व्हेन डिस्कसिंग पोएट्री. सिंटैक्स रिलेट्स नॉट ओनली टू द रियल वर्ल्ड अरेंजमेंट्स बट ऑल टुगेदर टू ग्रामेटिकल रूल्स बट ऑल्सो टू चैलेंज पोस्टेड टू सच अरेंजमेंट्स. मतलब कि पोस्ट टू सच अरेंजमेंट्स जैसे वर्ड अरेंजमेंट्स है वो हमारे को कॉज करते हैं सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर विद इन अ लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन टर्म ऑफ पोएटिक लाइसेंस. तो इसे हम बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस. सबसे पहले एक चीज याद रखो, जो हमारे वर्ड्स अरेंजमेंट होते हैं सिंटेक्स हम किसे कहते हैं, एक वर्ड अरेंजमेंट को जो कि हमारे को सेंटेंस बनाते हैं. पहली बात, वर्ड डजंट मीन ए बी सी डी, ये अल्फाबेट है. वर्ड होता है जैसे कॉन्ट्रडिक्टरी, टॉपिक, यहाँ पे जैसे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं चैलेंजेस, रिलेट्स, ये है वर्ड. एंड अगर हमारा एक सेंटेंस है तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे ये बहुत बड़ा हो जाएगा एक सेकेंड या सो यहाँ पे हमारे पास लास्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है जैसे इस तरफ. मोस्ट इंग्लिश पोइट्स चैलेंज द रीडर्स अजम्पशंस रिगार्डिंग वर्ड ऑर्डर एंड सम इंग्लिश पोइट्स कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस विद सेवरल सेक्शंस दैट आर मोर इंट्रिकेटली टाइड टू वन अनदर देन दे वुड बी इन मोस्ट मॉडर्न इंग्लिश स्पीच और राइटिंग. सो इसमें अगर आप देखोगे तो यह है पूरा सेंटेंस एंड दिस इज अ सिंटेक्स. मतलब ये सिंटेक्स तो नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी लाइन हो गई. पोएम्स में जनरली 3 or 4 वर्ड्स ही होते हैं या फिर मतलब एक लाइन में जा सकते 10 वर्ड से ज्यादा नहीं होते हैं. और इसमें मेरे को ये भी बताया गया है फेर्गुसन. सो इनका नेम मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है फेर्गुसन. सो फेर्गुसन जो है वो ये भी लिखते हैं दैट व्हाइल मेनी सिंटेक्स रूल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं ओवर टाइम बट स्टिल बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल चीजें हैं जो कि इस समय बिटवीन लैटिन एंड इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है. लाइक अभी भी हम चाहे कितना भी हिस्ट्री से दूर भाग ले बट देर इज अ प्रेजेंट ऑफ हिस्ट्री. मतलब चाहे एसेंस क्यों ना बचे बट यस देर इज एन एसेंस. देन वी हैव इज इन लैटिन प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन वर्ड्स मैटर लिटल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग मोस्ट रिटन सेंटेंसेस बट इन इंग्लिश मीनिंग डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर वर्ड्स बीइंग इन प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर. सो इसमें मेरे को यही बताया गया है कि लैटिन में जैसे प्रॉक्सिमिटी है एंड डिस्टेंस है बिटवीन वर्ड्स मैटर लिटल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग मोस्ट राइटर्स सेंटेंस. मतलब कि इंग्लिश में मतलब कुछ जगह पर लैटिन वगैरह में जो वर्ड्स इतना फोकस नहीं होते, इतनी जल्दी कॉम्प्रिहेंड नहीं होते, बट इंग्लिश में हर वर्ड का मतलब कई बार ऐसे भी हो सकता है 2 or 3 मीनिंग्स तक हो. देन वी हैव अ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स. सो पार्ट्स ऑफ सिंटेक्स में हमारे पास होते हैं एक सेंटेंसेस एंड दूसरे होते हैं वर्ड्स. सो जो एक वर्ड है द वर्ड इज द स्मॉलेस्ट मीनिंग बियरिंग यूनिट ऑफ सिंटेक्स. सो एक सिंटेक्स का मीन जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है दैट इज अ वर्ड जैसे समटाइम्स बट सिग्निफिकेंट मीनिंग गेम पोएटिक मोस्ट पोइट्स यूटिलाइज. सो दीज आर ऑल वर्ड्स. देन यू हैव इज वेयर एज द सेंटेंस इज द ग्रेटेस्ट. सेंटेंस जो है वो पूरा ग्रेटेस्ट होता है. यही एक सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं द वर्ड इज द स्मॉलेस्ट मीनिंग बियरिंग यूनिट ऑफ सिंटेक्स वेयर एज द सेंटेंस इज द ग्रेटेस्ट. सो दिस इज अ सेंटेंस. सो एक सिंटेक्स का जो स्मॉलेस्ट होता है दैट इज अ वर्ड और एक सिंटेक्स का सेंटेंस जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है. फेर्गुसन जो है वो हमारे को कॉशियस करते हैं एंड वो हमारे को ये बताते हैं वी शुड नॉट एज्यूम डेट जो मॉडर्न रूल है वो अप्लाई करते हैं टेक्स्ट रिटन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर अगो बिकॉज इंग्लिश जो है वो उस समय से अब तक बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है. वी मस्ट डू आर बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन आर रीडिंग्स. मतलब हमारे को हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उनको अभी भी हमारे को रीडिंग्स में लानी चाहिए. देन वी हैव इज अ सेंटेंस इज अ यूनिट दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. अब आपको ये नहीं पता होगा अगर क्योंकि अब आप इतना ऊपर आ चुके हैं इंग्लिश ऑनर्स के तो कई बार ये हो जाता है बेसिक्स भूल जाते हैं. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है. एक सेंटेंस आपके पास द गर्ल इज वॉकिंग. सो इसमें क्या हुआ द गर्ल जो है वो सब्जेक्ट हुआ इज वॉकिंग इज अ प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट क्या होता है जनरली जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पता ही है
प्रेडिकेट होता है जो हमारे को सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. लाइक सब्जेक्ट में हमारे पास एक सेंटेंस है, द बॉय वॉज गोइंग टू स्कूल. सो द बॉय इज सब्जेक्ट, वॉज गोइंग टू स्कूल इज अ प्रेडिकेट. इसमें ऐसे कुछ नहीं होता कि वॉज हट जाएगा, गोइंग टू स्कूल या ऐसा कुछ नहीं होता. सेंटेंस जो है ना बस हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है. लाइक अगर सेंटेंस का हाफ पार्ट जो है वो सब्जेक्ट हुआ, सो हाफ पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट. एंड मोस्टली क्या होता है, एक चीज और याद रखना, पहले सब्जेक्ट रहता है देन प्रेडिकेट मोस्टली टाइम में. आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा, बट या एक्सेप्शंस तो हर जगह पे होती है. मोस्ट रिलेवेंट प्रिवेलेंट टाइप जो है इंग्लिश सेंटेंस का वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आपने अगर टेंसेस में पढ़ा होगा तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सबसे सिंपल जो होता है वो यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. मतलब कि द बॉय वॉज प्लेइंग, तो ये हो गया सब्जेक्ट द बॉय वॉज, वर्ब आई थिंक वर्ब ही वही है, एंड देन यू हैव इज ऑब्जेक्ट सो प्लेइंग. मतलब इस टाइप से आपका सेंटेंस मोनली क्या होते हैं कि आई थिंक वर्ब तो आई एन जी वगैरह वाले भी होते हैं, बींग ऐसे कुछ, मतलब बहुत सारे होते हैं. सो इसको हम स्किप कर सकते हैं. बट यस, मेनली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में क्या क्या डिफरेंस होता है. देन यू हैव इज इवन दोज कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्स हु अपीयर्स टू वेज वॉर अगेंस्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन नंदनेस रिलाय ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट, जो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड डायरेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट फ्रेज एज अ कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ देयर पोएम्स. तो ये उनका कोर बिल्डिंग ब्लॉक होता है पोएम का. एंड देन बिकॉज ये भी होता है ना कि आपको शुरुआत करने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, एंड शुरुआत आप कभी भी टफेस्ट से तो नहीं कर सकते हो. सो यू हैव टू फर्स्ट गो विद द इजी पार्ट, और इजी भी नहीं, हम कह सकते ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का, अगर पहला ब्लॉक ही नहीं रखा आपने तो आप दूसरा ब्लॉक रख ही नहीं सकते हो. सो दैट इज द मेन की कि आपको पहला ब्लॉक रखना पड़ेगा, एंड पहला ब्लॉक ही यही है, सब्जेक्ट वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देन यू हैव इज ऑल टूगेदर सम पोइट्स अग्री विद फेनेलोसा दैट सेंटेंसेज शुड इंक्लूड अ सब्जेक्ट, एन एक्टिव वर्ब एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मेनी पोइट्स यूज ऑल्टरनेटिव सेंटेंस, जैसे कुछ और भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस वेरियस इमोशंस related to action and passion as well as to produce rhythm that are slightly different. अब आपको जैसे इस लाइन के बारे में ना पता है, मैंने इस लाइन को जब पढ़ा था ना, मुझे ऐसा लगा मतलब ये कितना रिलेट करती है अगर आप इसको पढ़ोगे ना, मतलब अगर आप इसको डीप में समझोगे तो बहुत कुछ गहरा इफेक्ट देगी आपको. One day the noun were clustered in the street, an adjective walked by with a dark beauty. The nouns were struck, moved, changed. The next day a verb drove up and created the sentence. So last line देखो, the next day a verb drop up, मतलब next day verb जो है वो appear हुआ and then created a sentence. मतलब एक verb ने जो है उस पूरे sentence को create किया. एक दिन जो था शुरू से अगर हम देखें, one day the noun were clustered in the street. Nouns कौन से होते हैं? मतलब हमारे पास कुछ words हैं like Delhi, India, India gate. मतलब nouns तो आपको पता ही होंगे किसी भी जगह का, place का, thing का name वगैरह. And then you have it. An adjective walked by with her dark beauty. An adjective कौन से होते हैं? जनरली जो किसी भी चीज़ की beautiful, intelligent, smart, innocent, किसी भी चीज़ का एक feature बताते हैं. The nouns were struck, moved and changed. So जो noun थे वो बहुत ज़्यादा struck थे, कभी कभी move हो जाते थे, कभी change हो जाते थे. और next day जो है verb आया और तभी उसने क्या create कर दिया? Sentence. Then you have this. Is numerous sentences. So हमारे को जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे convey की गई है, but ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप जो है बीच में वीडियोस को पॉज करके रीड कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ मस्ट क्वेश्चंस जो कि आपको पता होने चाहिए, गो थ्रू तो होने चाहिए. अब है क्लॉजेस. सो व्हाट इज क्लॉजेस? बिकॉज बोथ सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस इंक्लूड सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट. तो दोनों में जो है सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. अ क्लॉज माइट अपीयर टू बी और इवन बी अ सेंटेंस. जिल रन्स होम इज बोथ अ क्लॉज एंड अ सेंटेंस. अब आपको पता है एक फ्रेज होता है. सो अगर फ्रेज क्या होता है कि अगर हमारे पास मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस का एक पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज अ फ्रेज. एंड वो एक वो भी पार्ट भी ऐसा कि जो कि मेरे को पूरे कुछ टॉप चीज के बारे में बता रहा हो, लाइक इटसेल्फ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, या इम्पॉर्टेंट एक आर्ग्यूमेंट हो, या मेरे को एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हो, दैट इज अ फ्रेज. एंड यहाँ पे मेरे को बताया गया सेंटेंस एंड क्लॉज. सो क्लॉज क्या होता है? जिल रन्स होम इज बोथ अ क्लॉज एंड अ सेंटेंस. सो जिल रन्स होम ये हमारे पास सेंटेंस भी है, बट एट द सेम टाइम ये क्लॉज भी है. बट फ्रेज क्या होते हैं? जहाँ मेरा दो या तीन वर्ड्स ही होते हैं, उससे ज्यादा वर्ड्स नहीं होते. देन वी हैव दिस काइंड्स ऑफ क्लॉज. सो हमारे पास कुछ काइंड्स होते हैं क्लॉजेस के, लाइक द नाउन, द एडवर्ब एंड द एडजेक्टिव आर द थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट सबॉर्डिनेट क्लॉजेस मिमिक इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्टिक फंक्शन. एडवर्बियल क्लॉजेस फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंटली फॉलो सबॉर्डिनेट कंजक्शन सच एज आफ्टर, ऑल टूगेदर, जैसे कि आई वॉज प्लेइंग एज आई वॉज फ्री, या फिर
आई वॉज रनिंग बैक होम एज इफ द रेन वॉज अबाउट टू कम, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, या फिर बिकॉज, जो मतलब सेंटेंस को जोड़ते हैं, बिकॉज, वेदर, वाइल, सेंटेंस को जोड़ने वाले, इसको हम कुछ कह सकते भी हैं, बट मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे, आई थिंक कंजंक्शन से भी कहते हैं हम, जो मोस्टली वर्ड्स को जोड़ते हैं, नहीं कंजंक्शन तो ऑन इन इनको कहते हैं, नहीं आई थिंक कंजंक्शन ही होते हैं, प्रेपोजिशन वगैरह कुछ होते होंगे, बट या इसका मैंने पर्टिकुलर कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है. सो नाउन क्लॉजेस कैन टेक द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स और प्रीडिकेट कॉम्प्लीमेंट्स, बट दे कैन नेवर स्टैंड ऑन देयर ओन. सो नाउन जो क्लॉजेस है ना वो हमेशा मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के साथ होते हैं, बट वो कभी भी अपने आप स्टैंड नहीं कर सकते हैं. मतलब नाउन क्लॉजेस जो है वो अपने आप स्टैंड नहीं कर सकते, क्लॉज अपना एक सेंटेंस, अपना एक वर्ड, पूरा फ्रेज नहीं बना सकते हैं. वंस द मेन सब्जेक्ट एंड वर्ब आर आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू लोकेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बिकॉज पहले जैसे हमारा हम जैसे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, पहले हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब जैसे मिल जाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू लोकेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देन वी हैव इज यस ऑल टूगेदर आइडेंटिफाइंग मेन क्लॉजेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इज नॉट ऑलवेज सिंपल, इट इज क्रूशियल टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंटेक्स ऑफ अ पोएम. सो ऑल टूगेदर जो है ये बहुत ईजी नहीं होता कि आपको आइडेंटिफाई करना मेन क्लॉजेस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नॉट ऑलवेज सिंपल, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंटेक्स ऑफ अ पोएम, ताकि इस चीज को हम समझ सकें. देन यू ऑलवेज मूव्स इन अ गेम मूव्स इन द गेम. पोइट्स है वो ऑफन यूज करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज ताकि वो पोस्टपोन कर सके यूज ऑफ मेन वर्ब, एंड दिस क्रिएट्स एंटिसिपेशन बिटवीन द पोइट एंड अ रीडर. बिकॉज पता है आपको ना हमारे को भी एज इन लाइफ में क्या होता है, हमें पूरे एक सेंटेंस पढ़ने की आदत होती है, बट जब पोएम होती है तो उसमें सेंटेंस नहीं होता, वो आपको कहती है कि आप दूसरी लाइन पढ़ो, आप तीसरी लाइन पढ़ो, मतलब वो आपको रोकना नहीं चाहती है. एंड दैट मीन्स कि उस समय क्या होता है, एक एंटिसिपेशन होता है बिटवीन द पोइट एंड द रीडर. मतलब पोइट चाहता है कि मैं इस लाइन को पढ़ूं और समझूं, बट एट द सेम टाइम जो मतलब रीडर जो है वो चाहता है कि मैं लाइन को पढ़ूं और समझूं, बट पोइट क्या चाहता है, पहले आप इस लाइन को पढ़ो, फिर अगली को पढ़ो, फिर अगली पढ़ो, फिर पूरे उसको समझो. तो ये नहीं चाहते एक पर्टिकुलर लाइन समझो. इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो द एप्रिएशन ऑफ दीज फेसिस इन द क्राउड पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो. सो ये मेरे को कुछ लाइन्स वगैरह दी गई हैं ऑफ सम पोएम्स. एंड देन यू हैव इज डबल सिंटेक्स. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कि मैंने आपको मार्क कर रखे हैं, सो मैं आपको बता दूंगी. डबल सिंटेक्स इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट यस व्हेन अ फ्रेज लाइन और सेट ऑफ लाइन्स कैन बी अंडरस्टूड इन टू डिस्टिंक्ट वेज डिपेंडिंग ऑन द सिंटेक्स दैट कम्स बिफोर एंड और आफ्टर द यूनिट, दैट इज द केस. सो ये केस होता है डबल सिंटेक्स का. जैसे बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे भी होते हैं डबल सिंटेक्स में, जो पोइट है वो फर्स्ट प्रेजेंट करता है अपना आइडिया कि जो कि अपीयर होता है टू बी फिनिश्ड, मतलब वो अपीयर जो है मतलब आइडिया प्रेजेंट किया और वो खत्म हो गया. इन अ सिंटैक्टिक यूनिट जो कि अपीयर होता है इंडिपेंडेंट, और जो क्लॉज है बिफोर गोइंग टू द रीराइट द आइडिया फ्रीक्वेंटली इन अ ह्यूमरस एंड पैराडॉक्सिकली वे. सो ये कुछ कुछ चीज़ आपको इसमें नहीं समझ आएगी, तो इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हो. और ये वर्ड ऑर्डर इन्वर्जन, तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप स्किप कर सकते हो. लास्ट वन इज समिंग अप, एंड विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो. सो समिंग अप कर लेते हैं, एंड आई विल जस्ट रीड दिस. तो अगर आपको वीडियो के एंड तक पॉज करके रीड करना, तो येस यू कैन गो फॉर इट, एंड अदरवाइज आई विल रीड. इन दिस लेसन वी हैव अंडरस्टूड एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पोएट्री विच इज पोएटिक सिंटेक्स. ईच लैंग्वेज हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स गवर्निंग इट, एंड हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्टिक फीचर्स ऑफ इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इंग्लिश लिटरेचर इन जर्नल एंड पोएट्री इन पर्टिकुलर. We have dealt with two major components of syntax, sentences and clauses in detail, with particular emphasis on various ways in which poets use them to achieve a desired effect. Therefore, when discussing poetry, syntax relates not only to real-world arrangements or to the grammatical rules, but also to the challenges posed to such arrangements. Word arrangements that cause significant disorder within a language are referred to as a poetic license. So, poetic license important है, so इसको अच्छे से याद कर लेना. We have also dealt with some other ways in which poets experiment with language, notably nominal syntax, double syntax and word order inversion. So, इन तीन के बारे में पढ़ सकते हो, but ये इतना important नहीं है. So, with this, we end this video here only. And अगर आपकी कोई भी query या कोई भी चीज़ पूछनी है तो comment कर सकते हो. And video को like कर देना, कैसी लगी comment से बताना. और किसी topic पे video चाहिए तो वो भी आप comment से बता सकते हो. Stay safe. Stay positive, all the best, and thanks for watching. Bye bye.